तुम क्लास टू हमारे 8th का जो काम है उसमें हम मैथ का काम देखने जा रहे हैं। मैथ का है हमारे पास पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन क्या है, काउंट इन 8 एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। कह रहे हैं कि आपने हर बार 8 नंबर को काउंट करना है और ये जो जगह खाली हैं जो मिसिंग नंबर्स हैं वहाँ पर आपने वो नंबर्स लिखते जाना है जो आप हर बार 8 को काउंट करने के बाद आएगा। मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझा दूँ कि आप यहाँ पर पहले अपनी आसानी के लिए 8 लाइन्स लगा लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखें यहाँ किस नंबर से ये लिखा हुआ है, ये है 8। तो आप क्या करेंगे, 8 का आंसर आपका पहले से मौजूद है, इसमें हर बार आप 8 को काउंट कीजिए। काउंट करें मेरे साथ, इससे आगे का नंबर पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 16। इसी तरह जब आप यहाँ पे 16 लिख लेंगे तो आप इसी तरह आगे ऐड करते जाएंगे हर बार 8 को। 16 से आगे पढ़ें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 24। अब देखें 32 जो है वो पहले से लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, 32 से आगे ही पढ़ना है। पढ़ें इसको मेरे साथ, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 40। फिर आप इसे आगे पढ़ें, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 48। इसी तरह जब आगे आप देखेंगे तो आपने ये आपको पहले से 56 लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आप यहाँ पे हमारा जो ये है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पर, ये देखिए ये नंबर किससे स्टार्ट हुआ, ये 0 से है। तो आपने इसी तरह लाइंस पे आपने काउंट करते जाना है, 8 लाइंस आपने ऑलरेडी लगाई हुई हैं। तो आप 0 से आगे पढ़ें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 8। फिर आप इससे आगे पढ़ें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे भी आप 16 लिख दीजिए। फिर आगे देखें पढ़ने, ये ऑलरेडी 24 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 24 से आप आगे पढ़ेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पे आप 32 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें 32 लिखने के बाद आगे काउंट करना है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40। इसी तरह 48 लिखा हुआ है तो आप इसे आगे ही काउंट करेंगे, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो यहाँ पे भी आप 56 लिख देंगे और 64 इस तरह हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 पर है, यह है स्टार्ट हुआ है 16 से। तो आपने 8 का काउंट करना है तो आप 16 से आगे जो आपने 8 लाइन्स लगाई हैं उस पर आप काउंटिंग पढ़ सकते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24। इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे 24 से आगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 32। इसी तरह 32 के बाद आप आगे पढ़ें, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 40। नेक्स्ट आप देखें 48 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप 48 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो यहाँ पे आप 56 लिख दीजिए। फिर आप 56 से आगे काउंट करेंगे, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। यहाँ पे अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, फिनिश कलरिंग द स्क्वेयर्स बाय काउंटिंग इन 8। तो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने कलरिंग करनी है स्क्वेयर्स में और हर बार आपने 8 की काउंटिंग पढ़नी है, 8 यानी कि 8 काउंट करके आपने कलरिंग करते जाना है जो स्क्वेयर्स बने हुए हैं। ये देखिए इधर ये जो है हमारे पास एक इसकी 8 लेग्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप अपनी आसानी के लिए जो लेग्स हैं इन पर आप काउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये 8 हैं। आपने शुरू किस तरह करना है, आपने आगे से देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पे आपने कलर कर देना है। इसी तरह अब आप आगे देखें, आप पढ़ें 8 से आगे, इस पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16।
तो आप 16 पे जो है वो 16 जो स्क्वायर बना हुआ है जिस पर लिखे स्क्वायर नंबर पे 16 लिखा हो आप उसको कलर कर दें। फिर 16 से आप आगे पढ़ें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसी तरह 24 पे आप कलर कर दीजिए। 24 पे कलर स्टार्ट करने के बाद, लाइट कलर करने के बाद आप देखिए इससे आगे आप पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। देन देखिए 32 को भी आपने ऐसे कलर करना है। इससे आगे आप पढ़ेंगे 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 को भी आपने इस तरह कलर कर देना है। इस तरह 40 से आगे आप पढ़ेंगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो 48 जब आएगा तो आपने उसको भी कलर कर देना है, स्क्वायर को भी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 48 से आगे 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो 56 को भी आप ऐसे कलर कर दीजिएगा। फिर इससे आगे आप पढ़ेंगे 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो 64 को भी आपने ऐसे कलर कर देना है। नेक्स्ट आप उससे आगे पढ़ेंगे 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। तो 72 को भी आपने ऐसे कलर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर 8 को काउंट करेंगे इसी के आगे 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो आप 80 को भी इसी तरह कलर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप 80 से आगे पढ़ें 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। तो 88 को भी आपने इस तरह कलर कर देना है। इससे आगे पढ़ें आप 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो 96 को भी आपने कलर कर देना है। इससे आगे देखिए बच्चों, अगर हम 8 को काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारा जो नंबर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह हर बार आपने 8 को काउंट करते हैं करते जाना है और उन पर कलर करते जाना होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीक का काम समझ आ चुका होगा। आपने भी ये काम इसी तरह नीटनेस के साथ करना है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है घर में, और मुझे ये काम आपने 13 सितंबर को चेक करवाना है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।